आज हमारे मंच पे यहां उपस्थित ग्वालियर के इस ऐतिहासिक भूमि पर हमारे यशस्वी जन जन के नायक और जिन्होंने अपने करकमलों से मध्य प्रदेश के 9 करोड़ जनता के दिल दिल में एक अमीट छाप छोड़ा है, ग्वालियर के ऐतिहासिक गालिब ऋषि की भूमि में तालियों की गड़गड़ाहट से शिवराज सिंह जी का हम लोग स्वागत करें। मंच पर आसीन हमारे केंद्र कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, मंच पर आसीन हमारे सांसद आदरणीय विवेक शेजवलकर साहब, हमारे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रीगण आदरणीय तुलसी सिलावट जी, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, मंच पर आसीन पूर्व मंत्रीगण माया सिंह जी, अनूप मिश्रा जी, हमारे समस्त नगर निगम के अध्यक्षगण, पूर्व मंत्रीगण इमरती देवी जी, नगर निगम के अध्यक्षगण मुन्नालाल गोयल जी, अभय चौधरी जी, मदन कुशवाहा जी, लोकेन्द्र पराशर जी, रमेश अग्रवाल जी, रामबरन गुर्जर जी, सीताराम बाथम जी, वेद प्रकाश शर्मा जी, मनोज तोमर जी, जयप्रकाश रजौरिया जी, जय सिंह कुशवाहा जी, समीक्षा गुप्ता जी, मंच पर आसीन समस्त हमारे महानुभव और मेरे सामने बैठी हुई मेरी आन बान और शान और मेरे जीवन की मकसद ग्वालियर की समस्त मेरी जनता जनार्दन जो यहां उपस्थित है। आज एक ऐतिहासिक दिवस है, मुख्यमंत्री जी हमारे समक्ष आए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हमारे जब समक्ष आए हैं एक ऐतिहासिक दिवस के रूप में, केवल आपका मुख्यमंत्री आपके बीच में नहीं आए हैं, आपके घर का भाई और आपके घर का बेटा आज ग्वालियर के धरती पर आपके समक्ष है। मुझे याद है एक बार शिवराज सिंह जी ने कहा था, मैं मुख्यमंत्री नहीं, मैं अपने परिवार का सदस्य हूं। इसी भावना के साथ मध्य प्रदेश को राष्ट्र स्थल पर पहुंचाने के लिए, दिन रात करने के लिए अगर आपका भाई और आपका बेटा है तो वो शिवराज सिंह जी है मेरे भाई और बहनों। और आज जब आप आए हैं, एक समय होता था मध्य प्रदेश में जब घर में लड़की पैदा होती थी तो समझा जाता था कि बोझ है, और शिवराज सिंह जी की विचारधारा, उनकी सोच कि सामाजिक परिवर्तन हमें लाना है, और उसी सोच के साथ लाडली लक्ष्मी की योजना की शुरुआत की गई ताकि जब बच्ची पैदा होती है घर के अंदर तो बच्ची केवल नहीं लेकिन लक्ष्मी, भगवान लक्ष्मी का रूप लेकर एक लखपति घर के अंदर पैदा होती है मेरे भाई और बहनों। ये योजना घर घर तक पहुंची और जब हमारी घर की बेटी 21 वर्ष की हो जाती है, शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपनी जीवन की शुरुआत करती है और लग्न का समय आता है और उस लग्न के मुहूर्त में जैसे पंडित बैठकर मंगलाष्टक करते हैं, पंडित के साथ साथ शिवराज सिंह जी भी बैठकर उस बच्ची की शादी के लिए कन्यादान योजना के आधार पर 51,000 रुपया
ये भाई एक एक बहन के शादी में शिरकत करके उपस्थित रहा और जब उन्होंने देखा कि प्रदेश की महिलाएं सशक्त हो रही है, प्रदेश की महिला आगे बढ़ रही है, बचपन से पढ़ाई कर जब सर्वश्रेष्ठ अंक लेकर स्कूल से निकलती है तो उस बच्ची को संपन्न बनाने के लिए अपने अंकों के आधार पर, मतलब काबिलियत के आधार पर, उस बच्ची को ई स्कूटी देने की योजना भी शुरुआत की मेरे भाई और बहनों। तो बचपन से लेकर पढ़ाई तक, स्कॉलरशिप तक, अंकों के आधार पर सम्मानित करने का कार्य और लग्न तक इस भाई ने और इस बेटे ने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई। तालियों की गड़गड़ाहट से मेरे बहने अपने भाई का आह्वान करें।